जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी दो प्रकार के लिफाफे सांविधिक और असांविधिक लिफाफे तैयार करते रहे हैं, जिसमें चार पैकेट में सामान जमा होता था, मगर इस बार के इलेक्शन में लिफाफों के पैकेट की संख्या 6 कर दी गई है और उनके अंदर रखे जाने वाले सभी प्रपत्रों को भी बदल दिया गया है। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कार्य लिफाफे किस प्रकार तैयार करने हैं और लिफाफे में हुए कुछ अहम बदलाव को जानेंगे, जिससे सभी पीठासीन साथी चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ लिफाफे बहुत ही आसानी से तैयार करते रहें और चुनाव के समाप्त होते ही काउंटर पर पहुंचने के बाद बहुत ही आसानी से सामान जमा करा पाए। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। अब चुनाव के दौरान आपको 6 प्रकार के लिफाफे तैयार करने हैं। पहला, ईवीएम पेपर कवर लिफाफा, जो कि इस बार से लागू हुआ है। दूसरा, स्क्रूटनी कवर या समीक्षा लिफाफा, यह भी इस बार का नया लिफाफा है। तीसरा, सांविधिक लिफाफा। चौथा, असांविधिक लिफाफा। पांचवा, पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात हेतु लिफाफा। और छठा, अन्य सामग्री जो कि बची हुई सामग्री होती है उसके लिए लिफाफा। अब पहले ईवीएम पेपर कवर का लिफाफा देखते हैं। यह लिफाफा आपको सफेद रंग के एक बड़े लिफाफे में तैयार करना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सफेद रंग का ही लिफाफा मिले, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामान लेते समय ज्यादातर लिफाफे एक ही रंग के मिलते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि मास्टर लिफाफे और उसके अंदर रखे जाने वाले लिफाफों के ऊपर वह कौन सा लिफाफा है सही से लिखा हो। जैसे यहाँ पर पहले लिफाफे में ईवीएम पेपर हेतु मास्टर लिफाफा लिखा है। अगर आपको प्लेन लिफाफा मिले तो आप उसके ऊपर आगे बताए गए और आगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से लिफाफों के ऊपर जरूर लिख लें। अब जो भी बड़ा लिफाफा आपको मिले उस पर ईवीएम पेपर कवर या कागजात और अपने जनपद का नाम, लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या, मतदेय स्थल की संख्या और नाम, मतदेय स्थल का स्थान, मतदान का दिनांक, पीठासीन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर आदि जानकारी भर देंगे। और जो 3 छोटे लिफाफों के नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखे हैं, ठीक उसी क्रम में आप लिफाफे के बाहर लिख देंगे। अब ये 3 लिफाफे कौन से हैं और कैसे तैयार करने हैं वह जानते हैं। अब सबसे पहले लिफाफे में रिकॉर्ड किए गए मतों का मतपत्र लेखा, जो कि प्रारूप 17C होता है, उसको आपको इस लिफाफे में रखना है। मतपत्र लेखा में जितने भी पोल के दौरान मत पड़े हैं उनका लेखा जोखा होता है, यह आप खुले में ही रखें और लिफाफा बंद मत करें। अब दूसरे लिफाफे में मॉक पोल का प्रमाण पत्र आपको रखना है। मॉक पोल जो भी आप मतदान शुरू होने से पहले कराएंगे उससे संबंधित मॉक पोल का प्रमाण पत्र आप भरेंगे, तो वह प्रमाण पत्र आप इस लिफाफे में रख देंगे। अब तीसरा लिफाफा मॉक पोल की वीवीपैट से मुद्रित कागज की पर्ची युक्त काले रंग का मोहर बंद लिफाफा। अब वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले जो मॉक पोल कराया जाता है उसमें जो 50 वोट आप डालेंगे उनकी पर्ची तथा जो 7 पर्ची जो वीवीपैट से निकलेंगी, कुल 57 पर्ची आप एक काले रंग के लिफाफे में सील कर देंगे और वह काले रंग का लिफाफा आप इस लिफाफे में रखेंगे। उसके बाद आप इस लिफाफे को लाख की सहायता से नीचे 1, 2 और 3 जगह से सील कर देंगे और बीच में भी 1 या 2 जगह सील कर देंगे। अब यह जो 3 छोटे लिफाफे आप तैयार करेंगे, इन सबको आप जो आपने बड़ा ईवीएम पेपर कवर का लिफाफा तैयार किया है उसमें रख देंगे और इसको सील नहीं करेंगे। अब दूसरा नया लिफाफा स्क्रूटनी कवर या फिर समीक्षा दस्तावेज हेतु मास्टर लिफाफा तैयार करना है। यह लिफाफा भी आपको सफेद रंग के बड़े लिफाफे पर तैयार करना है, जिसमें ऊपर समीक्षा दस्तावेज हेतु मास्टर लिफाफा आप जरूर लिख दें और बाकी सभी जानकारी जैसे आपको पहले बताई थी ठीक वैसे ही भर दें। और साथ ही साथ जो 4 छोटे लिफाफों के नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखे हैं ठीक उसी क्रम में आप लिफाफे के बाहर लिख देंगे। अब ये 4 लिफाफे कौन से हैं और कैसे तैयार करने हैं वह जानते हैं। अब सबसे पहले लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की डायरी रखी जाएगी, जो कि ज्यादातर खुले में ही जमा की जाती है, तो इसलिए आप इस लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की डायरी रख देंगे और इसको सील नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरे लिफाफे में मतदाताओं का रजिस्टर, जो कि प्रारूप 17A है, यह रजिस्टर P2 के द्वारा भरा जाता है, तो आप अपनी सुविधा के लिए इस लिफाफे को तैयार कर अपने P2 यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रख देंगे और उनसे कहेंगे कि जब मतदान समाप्त हो जाए
तो वह जो मतदाता रजिस्टर वह भरेंगे वह रजिस्टर इस लिफाफे में रख देंगे और पीठासीन अधिकारी उस रजिस्टर के आखिर में साइन करके इस लिफाफे को सील कर देंगे। अब अगला लिफाफा विजिट शीट का है। अब आपके मतदान स्थल पर जो भी अधिकारी विजिट करने आए तो वह आप विजिट शीट में भरवाएंगे और उसी शीट को बाद में इस लिफाफे में रखकर बिना सील करे बंद कर देंगे। अब आखिरी और चौथे लिफाफे में आपको दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची जो कि प्रारूप 14 ए में एवं सहयोगी की घोषणा संबंधी दस्तावेज जो भी आप भरेंगे, अगर आपके मतदान स्थल पर कोई भी अंधे एवं बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं तो आप वह प्रारूप भरकर इस लिफाफे में रख देंगे और ध्यान रहे इस लिफाफे को आप सील नहीं करेंगे। अब यह जो चार छोटे लिफाफे आप तैयार करेंगे, इन सबको आप जो आपने बड़ा स्क्रूटनी कवर समीक्षा का लिफाफा तैयार किया है उसमें रख देंगे। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथियों, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जैसे कि मॉक पोल, पीठासीन अधिकारी की डायरी, P1, P2 और P3 के कार्य आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर लोकसभा चुनाव 2024 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है, तो आप सभी साथी उन्हें देखकर आसानी से चुनाव करा सकते हैं। अब तीसरा पैकेट आपको सांवैधानिक लिफाफे का मास्टर लिफाफा तैयार करना है। यह लिफाफा भी आपको सफेद रंग के बड़े लिफाफे पर तैयार करना है जिसमें ऊपर सांवैधानिक लिफाफा हेतु मास्टर लिफाफा आप जरूर लिख दें और बाकी सभी जानकारी जैसे आपको पहले बताई थी ठीक वैसे ही भर दें और साथ ही साथ जो पांच छोटे लिफाफों के नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखे हैं ठीक उसी क्रम में आप लिफाफे के बाहर लिख देंगे। अब ये पांच लिफाफे कौन से हैं और कैसे तैयार करने हैं वह जानते हैं। अब सबसे पहला लिफाफा जो कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है जो कि प्रथम मतदान अधिकारी के पास होती है, तो आप अपनी सुविधा के लिए यह लिफाफा भर कर P1 के पास रख देंगे और उनसे कहेंगे कि जब चुनाव समाप्त हो जाए तो वह चिन्हित प्रति उस लिफाफे में रख कर इसको सील कर दें। इसके बाद दूसरा लिफाफा मतदाता पर्ची युक्त मोहरबंद लिफाफा है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि P2 मतदाता रजिस्टर भरने के साथ साथ एक पर्ची मतदाता को जारी करता है और मतदाता वह पर्ची P3 के पास लेकर जाता है तभी वह वोट डाल पाता है। अब आपको जो पर्ची मतदाता P3 को देंगे तो उन्हें आप 50-50 के बंडल में इकट्ठा करके इस लिफाफे में डालकर उसे सील कर देंगे। इसके बाद तीसरा लिफाफा अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों का लिफाफा है। अब अगर आपके बूथ पर कोई भी निविदित मतपत्र नहीं पड़े हैं तो जो भी अप्रयुक्त हों उनको आप इस लिफाफे में डालकर सील कर देंगे। इसके बाद चौथे लिफाफे में अगर आपके बूथ पर कोई भी निविदित मतपत्र पड़े हैं और प्रारूप 17B में अगर आपने उसका उल्लेख किया है तो आप वह निविदित मतपत्र और प्रारूप 17B इस लिफाफे में मोहर बंद कर देंगे। अब अगला लिफाफा प्रारूप 14 में अगर चैलेंज वोट आपके बूथ पर कोई पड़े हैं तो उनकी सूची जो आप तैयार करेंगे वह इस वाले लिफाफे में आपको रखनी है। साथियों, निविदित मतपत्र, चैलेंज वोट और ये सभी प्रारूप आपको कैसे भरने हैं उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यह जो पांच छोटे लिफाफे आप तैयार करेंगे, इन सबको आप जो आपने बड़ा सांवैधानिक लिफाफा तैयार किया है उसमें रख कर सील कर देंगे। ध्यान रहे इस लिफाफे को आपने सील अवश्य करना है। चलिए अब चौथा पैकेट असांवैधानिक लिफाफे कैसे तैयार करने हैं और उसमें क्या बदलाव हुए हैं वह जानते हैं। यह लिफाफा आपको पीले रंग का बनाना है। अब यहाँ पर भी रंग का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। अगर यह रंग नहीं मिलता तो कोई और रंग का भी आप बना सकते हैं। बस उसके ऊपर असांवैधानिक और जो जानकारी सांवैधानिक लिफाफे पर लिखी थी वह लिख देंगे और साथ साथ ही जो यहाँ पर 11 छोटे लिफाफे बनाने हैं उनके नाम इसी क्रम में जैसे यहाँ पर दे रखा है लिफाफे के ऊपर क्रमांक के साथ लिख देंगे। अब सबसे पहला लिफाफा है निर्वाचक नामावली की जो भी चिन्हित प्रति आपको मिली थी उसके अलावा दो और प्रति मिलेंगी, तो बाकी बची दो प्रतियों को आप इस लिफाफे में डालकर रख देंगे। इसके बाद प्रारूप 10 में जो भी मतदान अभिकर्ता या फिर जो भी पोलिंग एजेंट आप बनाएंगे उनके नियुक्ति पत्र आप इस लिफाफे में रख देंगे।
तीसरे लिफाफे में प्रारूप 12B में जो भी निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके बूथ पर हैं, तो आप वह इस लिफाफे में रख देंगे। इसके बाद चौथे लिफाफे में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के शुरू होने से पहले, मतदान के समय और मतदान समाप्ति पर कुछ घोषणाएं की जाती हैं, तो वह सभी घोषणाएं आप इस लिफाफे में खुले में ही रखेंगे। पांचवें लिफाफे में चैलेंज वोट से संबंधित रसीद और नगद राशि अगर आपने कोई भी 2 रुपए की ली है, तो आप वह इस लिफाफे में रखेंगे। इसके बाद छठे लिफाफे में अगर आपने निर्वाचकों की आयु के संबंध में कोई घोषणा, जैसे कि ऐसे निर्वाचक जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा दी है, तो आप वह सभी घोषणाएं इस लिफाफे में रखेंगे। अब अगले लिफाफे में आपके पास अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त जो भी कागज की सील, पिंक पेपर सील या फिर ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग अगर कोई बच गए हैं, तो वह आप इस लिफाफे में रखेंगे। इसके बाद आठवें लिफाफे में जो मतदाता पर्ची आपको मिलेगी, अगर वह अप्रयुक्त रह जाती है, तो जो भी पर्चियां बचेंगी उनके बंडल आप इस लिफाफे में रख देंगे। इसके बाद नौवे लिफाफे में नियम 49MA के तहत अगर आपने कोई भी टेस्ट वोट से संबंधित घोषणाएं की हैं, तो वह आप इस लिफाफे में रखेंगे। और साथ ही साथ दसवें लिफाफे में अनुपस्थित, स्थानांतरित, ASD मतदाताओं की सूची में शामिल निर्वाचकों की अगर कोई भी घोषणा आपके बूथ पर होती है, तो वह सभी घोषणाएं आप इस प्रारूप को भरते हुए इस लिफाफे में रख देंगे। इसके बाद 11वें लिफाफे में अगर SHO को कोई भी शिकायती पत्र आपने जारी किया है, तो वह भी आप 11वें लिफाफे में रखेंगे। और साथियों, अगर आपके बूथ पर कोई भी ऊपर दी गई घोषणाएं या प्रारूप नहीं भरे जाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप उन घोषणाओं या प्रारूप पर नील लिखकर उस प्रारूप या घोषणा को उस लिफाफे में जरूर रख दें, और लिफाफे के ऊपर भी आप नील जरूर लिख दें। अब यह जो 11 छोटे लिफाफे आप तैयार करेंगे, इन सबको आप जो आपने बड़ा असंवैधानिक लिफाफा तैयार किया है, उसमें रखकर किसी धागे या सुतली से उसे बांध देंगे। अब इसके बाद 5वां पैकेट या लिफाफा आपको पुस्तक, निर्देश एवं अन्य कागजात का मास्टर लिफाफा तैयार करना है। यह लिफाफा आपको भूरे रंग के बड़े लिफाफे पर तैयार करना है, जिसमें ऊपर यह मास्टर लिफाफा आप जरूर लिख दें, और बाकी सभी जानकारी जैसे आपको पहले बताई थी, ठीक वैसे ही भर दें। और साथ ही साथ जो 3 छोटे लिफाफों के नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखे हैं, ठीक उसी क्रम में आप लिफाफे के बाहर लिख देंगे। अब यह 3 लिफाफे कौन से हैं और कैसे तैयार करने हैं, वह जानते हैं। पहले लिफाफे में पीठासीन अधिकारी को जो भी निर्देश पुस्तिका EVM मशीन से संबंधित मिली होगी, वह दिशा निर्देश की पुस्तिका आप इसमें रख देंगे। दूसरे लिफाफे में आपके पास जो भी बची हुई अमृत स्याही होगी, उसे आप इस लिफाफे में रख देंगे। और तीसरा, जो भी आपने स्टैम्प पैड मतदाता के अंगूठा लगवाने के लिए प्रयुक्त किया था, वह स्टैम्प पैड इस लिफाफे में रख देंगे। और आखिर में इन 3 छोटे लिफाफों को बड़े वाले पैकेट में रख कर इसे धागे या सुतली से बांध देंगे। अब सबसे आखिरी पैकेट, छठा लिफाफा, आपको अन्य सामग्री का तैयार करना है, जो कि नीले रंग का होगा। इसमें आप जो भी सामग्री बच जाए, वह रख देंगे। ध्यान रहे, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर खुले में ही जमा होगी। साथियों, इसके अलावा आपको आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा एक सामग्री जमा करने की लिस्ट दी जाएगी, जिसमें सभी सामग्री में से कौन सी खुले और पैकेट में बंद की जाएगी, वह लिखा होगा। आप सिर्फ बड़े लिफाफे सामग्री को सील करें, बाकी सभी मास्टर लिफाफे ऐसे ही ले जाएं, जिससे जिसकी जरूरत काउंटर पर हो वह आप दे दें, बाकी वहीं पर लाख की सहायता या धागे से पैक कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।